हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जनरल इंश्योरेंस का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा बेयर ट्रेंड क्रिएट किया था जो 2018 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और करेंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपना जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करने के बाद फिर ये छोटा सा पुल बैक इस ट्रेंड लाइन के आसपास करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एक स्पाइक एंड चैनल फॉर्मेशन के साथ। तो करेंटली अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ से भी एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया था और उसके बाद यहाँ पे फर्दर और एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया। तो यहाँ पे इस चैनल के अंदर आप देख सकते हैं ये स्पाइक है, और इस चैनल के अंदर भी यहाँ पे वन स्पाइक, टू स्पाइक और थ्री स्पाइक भी इसने कंप्लीट कर लिया है, या इसे भी हम लोग थ्री स्पाइक मान लेते हैं। फिर ये नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे फोर्थ स्पाइक के आसपास इसने फॉर्मेशन किया है। एक चैनल के अंदर बहुत सारा स्पाइक हो सकता है और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जा सकता है, वो आप लोग जानते हैं। मगर रिसेंट डेज में इसने तीन यहाँ पे बिग बिग कैंडल क्रिएट किया है और करेंटली जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अपने लॉन्ग टर्म एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है, जो है 244 के आसपास। तो यहाँ पे करेंटली आपको क्या करना चाहिए, देखिए तो अगर कंपनी का शेयर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए है तो यहाँ पे आपको 60-70% सेल कर देना चाहिए और फर्दर इसे होल्ड करना चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो 244 का जो लेवल है इसे तोड़ के ऊपर जाने के बाद क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का पोजीशन होता है तो यहाँ पे आप फर्दर नया पोजीशन ले सकते हैं, या आपने जो एग्जिस्टिंग 30% के आसपास पोजीशन है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मगर यहाँ से अगर ये बैक आता है या इस कैंडल के बाद से ही नेक्स्ट डे ये कोई बेयर कैंडल क्रिएट करता है और उसके अगला कैंडल भी बेयर कैंडल होता है तो आपको ये मान लेना चाहिए ये नीचे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो वो है 203 के आसपास, या इसे भी तोड़ के ये फर्दर अगर नीचे आए तो 179 के आसपास इसका नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सबसे नीचे सपोर्ट बनेगा 167 के आसपास। तो ये जो नीचे सपोर्ट बन रहा है ये क्यों बन रहा है वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर देखेंगे तो इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वेज टॉप है, तो ये वेज टॉप के आसपास आके जैसे कि यहाँ पे आके इसने आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से यहाँ पे पुल बैक किया है, तो यहाँ पे भी वेज टॉप है तो इसके आसपास आके थोड़ा सा इसे ब्रेकआउट भी कर सकता है, यहाँ पे आके इसे पुल बैक जरूर करना है, या अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाता है तो यहाँ पे इसे कंसोलिडेट करना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पे गिरना चाहिए, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तब यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन बन सकता है। मगर यहाँ पे करेंटली इसे पुल बैक करने देना है और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट बनेगा ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस एक चैनल के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, तो अगर ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है चैनल के थ्रू ही तो ये चैनल का जो बॉटम है यहाँ तक ये आके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे यहाँ तक भी इसका सपोर्ट बन रहा है और ये जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है वो थोड़ा सा ब्रेकआउट करके नीचे जाता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं चैनल को थोड़ा सा ब्रेकआउट कर लिया है, और अगर इसे भी तोड़ देता है तो फर्दर ये नीचे ये जो यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल का टॉप है यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि स्पाइक एंड चैनल जनरली जहाँ से स्टार्ट होता है उसके टॉप तक या बॉटम तक ये आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल का टॉप है तो ये इस टॉप के आसपास जा सकता है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट भी बन रहा है, और इसे अगर फर्दर तोड़ देता है तो यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल का बॉटम भी है, तो ये बॉटम के आसपास आके कंसोलिडेट करने के बाद फर्दर ये ऊपर का मूव ले सकता है। तो यहाँ पे करेंटली स्विंग ट्रेडिंग का तो कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे जब ये अच्छा खासा कोई भी एक सपोर्ट में आके फिर वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर बैक करने की कोशिश करेगा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साथ, और फिर ये थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर इस प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा,
तब यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है। और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो ये जो चैनल का टॉप होगा, ये चैनल का टॉप है। और यहाँ पे फर्दर अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे लास्ट जो स्विंग पॉइंट है, यहाँ से अगर ये बैक करता है तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कहा है। और अगर कंपनी का शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आपको जरूर देखना है। हालांकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो जरूर देखना है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो किया है, मगर पिछले साल के जून से इसका रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल के जून से अच्छा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाने से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम हो गया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अच्छा कर रहा है, यानी पिछले साल के जून से यहाँ पे बेहतर है। तो कंपनी का एनुअल रिजल्ट ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था मार्च 2014 से, मगर यहाँ पे 2020 के बाद से ये कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है। और करंट ईयर में यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये पिछले ईयर से थोड़ा ज्यादा है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये पहले था। मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर गया है। हालांकि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट है वो काफी शानदार तरीके से 4-5 सालों से बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और फाइनेंशियल रेशियो के अंदर कंपनी का आरओए भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी 0 के आसपास है। आरओए यहाँ पे अगर कंपनी इस तरीके से मेंटेन कर पाता है तो फर्दर फ्यूचर में इस कंपनी का जो शेयर है वो मल्टीफोल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट करेंटली फ्लैक्चुएट कर रहा है, या मॉडरेट पोजीशन पे है आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कंपनी अपने आरओई को मेंटेन करता रहेगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव करता रहेगा तो लॉन्ग टाइम में कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे आप अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस मुझे लगता है फर्दर यहाँ पे इस स्विंग पॉइंट तक भी जा सकता है। और यहाँ पे फर्दर अगर इसका फंडामेंटल और भी इम्प्रूव होता है या फाइनेंशियल और भी इम्प्रूव होता है तो फर्दर इसका शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में भी कोई क्वेश्चन और डाउट है तो नीचे कॉमेंट में आप लिखिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे मैंने चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री लेना है, कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे टेक प्रॉफिट रखना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।